दरअसल पुलिस थाना अंतर्गत एक कुख्यात चोर को पकड़ा गया है जो नामचीन होटल में जाकर लोगों के सामान चुराता था। विशेष रूप से बताया जाए तो आरोपी पर संपूर्ण महाराष्ट्र में गुने दाखिल है, जिसकी तलाश पूरे महाराष्ट्र की पुलिस करी थी वो नागपुर पुलिस ने पकड़ा है, जिससे डॉन मूवी का प्रसिद्ध डायलॉग चरितार्थ होता है और कहानी भी कुछ ऐसी है। आइए जानते हैं पूरा मामला। अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन का वह डायलॉग जिसमें डॉन कहता है कि डॉन की तलाश तो चारों मुल्कों की पुलिस करी है, लेकिन पिक्चर के अंत में वह डॉन भी पकड़ा जाता है। कुछ ऐसा ही तहसील पुलिस की जाबाज टीम ने कर दिखाया है और एक शातिर चोर को पकड़ा है। बहरहाल देखते हैं क्या है मामला। दरअसल 14 जनवरी को जिला थाने निवासी 34 वर्षीय शब्बीर शेख का सामान नागपुर स्थित भागीरथी गेस्ट हाउस से चोरी हो गया, जिसके चलते शब्बीर ने तहसील पुलिस अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई, जिसके संज्ञान पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए निहित आरोपी 47 वर्षीय राजेंद्र गावाले को तकनीकी टीम की सहायता से पकड़ा, जो अहमदनगर जलेकान निवासी है। गौरतलब है कि इस आरोपी पर पूरे राज्य में चोरी की गुनाह दाखिल है। राजेंद्र हर नामचीन जगह होटल आदि में जाता था और साजिश साधते हुए लोगों के सामान चुराता था, जिसके बाद उन्हीं के आधार कार्ड पर अपनी फोटो चिपकाते हुए दूसरे शिकार की ओर कुछ करता था। 2023 में भी नागपुर के किसी होटल में आरोपी ने चोरी की थी। आपको बता दें कि आरोपी पैसे चुरा कर ब्रांडेड सामान खरीदता था और वह घर बेचता था, जिसके चलते पूरे गांव में इसी के घर ब्रांडेड सामान था। आरोपी ने अपने परिजनों को बताया था कि वह मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की कंपनी लोढ़ा एंड लोढ़ा में जॉब करता है और स्वभाव के अनुसार आरोपी 14 जनवरी को भी नागपुर के नासिक और वहाँ से पुणे ऐसा घूमते हुए घर पहुँचा, लेकिन तहसील पुलिस की टीम ने तकनीकी सूझबूझ दिखाते हुए आरोपी को पकड़ ही लिया और उसका चैप्टर क्लोज कर दिया। फिलहाल आरोपी के पास से 50,000 नकद मिली है और आगे जांच जारी है। तहसील पुलिस स्टेशन में 14 जनवरी को एक शरीफ शब्बीर शेख जो मानपाड़ा थाने या का डेंटल प्रोडक्ट का बिजनेसमैन है, वो नागपुर में कोई काम के लिए आया था। वो यहाँ की भगीरथ गेस्ट हाउस गीतंजलि टाकी चौक यहाँ पे रुका था। उनके पास 1,80,000 रुपये था। जब वो कोई बाथरूम में गया, अगर कोई काम के लिए बाहर गया, तभी आरोपी ने उनके पास से 1,80,000 रुपये उनके बैग में से निकाल कर भाग गए थे। ऐसे हमारी डीबी टीम ASI ठाकुर, कॉन्स्टेबल चेतन, पुलिस नायक शंभू किराट, इन्होंने बहुत से CCTV खंगाले, उनको ट्रैक किया कौन है आरोपी। आरोपी कभी उनका लोकेशन पुणे में आता था, कभी बम्बई में आता था। वो मुर्का वाबड़ेवाड़ी तालुका राहौरी डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर का है। राजेंद्र भागवत गवाले ने उनका नाम है। वो घर को ही बताता कहीं मैं कौन सी कंपनी फर्जी कंपनी में काम करता हूँ और अलग अलग शहर में मैं मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव करके जाता हूँ। उनका यही मोडस था कि बड़े बड़े शहर में जाना, वहाँ एखादा गेस्ट हाउस में रुकना और जो कोई नया गेस्ट आए उनके पास पैसा है, अगर उसका कोई कैजुअल अप्रोच था उनके पास से पैसे चुराना, ये उनका काम था। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक उनके ऊपर 3 गुने दाखिल है रत्नागिरी और पुणे में भी, पुणे थाना और रत्नागिरी नासिक औरंगाबाद भी हर शहर में ऐसा घूमता रहता है। जो हर एक शहर में चोरी करने वाला जो आरोपी था वो राजेंद्र गवाले मिल गया है। उनके पास से 50,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त कर गया हमने। फड़केश्वर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले न्यू ओम नगर से एक डकैती की घटना सामने आ रही है, जहां लगभग 5 से 6 लोगों ने दुरुक कर परिवार के घर में घुसकर लाखों का माल चुराया है। दरअसल कल देर रात लगभग 2 बजे के करीब 5 से 6 लोग न्यू ओम नगर निवासी 34 वर्षीय अमित दुरुक कर के घर पिछले रास्ते से आए और उन्होंने उनके घर का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट दिया, जिसके चलते अमित की बुजुर्ग माँ नींद से जागी। आपको बता दें कि अमित के घर पर उसका अविवाहित बड़ा भाई 36 वर्षीय स्वप्निल दुरुककर, उसके बुजुर्ग माँ समेत उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं। कल रात अमित और उसकी पत्नी एवं बच्चे ऊपर के कमरे में सोए हुए थे और स्वप्निल और उसकी माँ नीचे के हॉल में। जब स्वप्निल की माँ ने देखा कि बाहर किसी की आवाज आ रही है और सभी के घर बिजली है, मात्र अपने ही घर में बिजली गुल है, शक के बिना पर माँ ने अमित को फोन किया, मात्र वह उसने नहीं उठाया, जिसके बाद उसने स्वप्निल को बताया। तभी खिड़की से झांकते हुए 5 से 6 लोग उसे बाहर दिखाई दिए। जब भय के कारण वह दरवाजा बंद करने गया, तभी वह सभी लोग स्वप्निल की उंगली पर वार करते हुए अंदर घुस गए और तलवार की नोक पर माल समेटने लगे। तभी इस बात की भनक अमित को पड़ते ही उसने पड़ोसी और पुलिस को फोन लगाया
और शोर किया, जिसके चलते डकैत 8 लाख कैश लेकर फरार हो गए। जिसके बाद हुड़केश्वर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आगे की जांच जारी है। कर लिया, इसलिए मैंने उनको बोला कि मम्मी को कुछ मत बोलो, हाँ। मम्मी को मुझे देखना है, फिर उन्होंने मुझे धमकी दी कि तू शांत बैठ, तो और मारे भी करके। फिर उसके बाद में फिर वो मुझे उनको, हाँ, फिर मैंने बोला कि एक काम कीजिए, जो अंदर में जो कुछ लेके जाना है वो लेके जाइए, लेकिन मम्मी मम्मी को पीछे मत जाइए। फिर मुझे उठा के, और वो मैंने उनको रेडी की थी कि मुझे पहले मम्मी को देखना है, ताकि आपको क्या होना उधर में मैं सब दिखा देता हूँ, आप लेके जाओ घर को। तो मम्मी को उन्होंने फिर दिखाया मुझे, लेकिन मम्मी बेहोशी की स्थिति थी, तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं, बोला इनको जितने जल्दी जो कुछ। पोलीस स्टेशन हुड़केश्वर हद्दीमध्ये रोटेकर लेआउट या भागामध्ये नागरी वस्तीमध्ये फिर्यादी अमित दुर्गकर यांच्या राहत्या घरी काल एक दरोड्याची घटना घडलेली आहे। रात्री अंदाजे 1:30-2 वाजताच्या सुमारास त्यांच्या घराचं मीटरमधनं लाईट बंद करून 5 ते 6 आरोपींनी त्यांच्या घरामध्ये प्रवेश करून सशस्त्र हत्यारांनीशी प्रवेश करून त्यांना फिर्यादी अमित दुर्गकर यांना जखमी करून आणि त्यांच्या आईला जीवे मारण्याची धमकी देऊन त्यांच्याकडून त्यांच्या घरातनं जवळपास नगदी रक्कम रुपये 8 लाख चोरी करून, बळजबरी चोरी करून नेलेले आहेत। त्या संबंधाने पोलीस स्टेशन हुडकेश्वर येथे दरोड्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे अनोळखी 5 ते 6 आरोपींच्या विरुद्ध। घटने संबंधाने फिर्यादीचे मोठे भाऊ श्री स्वप्नील दुर्गकर हे त्याच घरामध्ये वरच्या मजल्यावर त्यांच्या बेडरूममध्ये झोपलेले असताना आरोपींनी प्रथम म्हणजे घटना करण्यापूर्वी वरच्या बेडरूमचे दार लॉक केलेले होते, तर बंधू श्री स्वप्नील दुर्गकर यांनी त्यांच्या बेडरूममधनं जेव्हा खालनं आवाज यायला लागले आणि दार बंद आहे त्यांच्या बेडरूमचं असं त्यांना लक्षात आलं, त्यावेळी त्यांनी पोलिसांना पोलीस कंट्रोल रूमला 112 वर कंट्रोल रूमला माहिती दिली होती। त्या अनुषंगाने नियंत्रण कक्षाने पोलीस स्टेशनला दिलेल्या माहितीमुळे पोलिसांना ही माहिती मिळाल्यामुळे तात्काळ पेट्रोलिंग वाहन अधिकारी सर्व वरिष्ठ अधिकारीसुद्धा घटनास्थळावर पोहोचले होते। फिर्यादी अमित दुर्गकर आणि त्यांचे मोठे बंधू श्री स्वप्नील दुर्गकर हे दोघं पण फुलांचे तोफ व्यापारी आहेत। नेताजी सुभाषचंद्र बोस फुले मार्केटमध्ये ते फुलांच्या थोक खरेदी विक्रीचं कामकाज करतात आणि त्यांच्या घरात घटनेच्या वेळी त्यांची आई तसेच मोठे बंधू स्वप्नील यांची पत्नी आणि एक लहान मुलगी असा परिवार संपूर्ण होता। आरोपी जे 1:5 ते 6 आहेत त्यांचा आपण आपल्या सर्व तांत्रिक जी माध्यम आहेत त्यांच्या सहाय्याने आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे शोध घेतो आहोत। अद्याप हवे तो आरोपींबद्दल काही माहिती मिळालेली नाही, पण निश्चितच आपण लवकरच आरोपींना ताब्यात ठेवू। फिर्यादीकडे या संबंधाने वारंवार विचारणा केली, परंतु फिर्यादीला कोणावरही संशय नाही असं ते सांगतात आणि पण एकूण जो काही प्रकार कमी वेळात घडलेला आहे त्यावरनं असं लक्षात येतं आहे की बा आरोपींनी लक्ष ठेवून आणि रेकी करूनच सदरची घटना केली असावी असा प्राथमिक संशय पोलिसांना सुद्धा वाटतो आहे।